नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा। आज बड़ी खबर निकल करके आई है जिसका प्याज के कारोबारियों को काफी लंबे समय से इंतजार था कि सरकार ने निर्यात की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है और सरकार ने क्वांटिटी जो पहले 56,000-57,000 मीट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट किया रही थी, वो भी अब बढ़ करके आई है 64,400 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। अब इसका मैं आपको विश्लेषण बता देता हूं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये अधिसूचना जारी की है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये अधिसूचना जारी की है और जिसके अंतर्गत 64,400 टन प्याज का एक्सपोर्ट होगा, जिसमें 50,000 मीट्रिक टन, जैसा कि पहले भी बताया, कि बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा और 14,400 मीट्रिक टन जो प्याज है उसका निर्यात यूएई के अंदर होगा, यानी कि दुबई के मार्केट में जाएगा, मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर में जाएगा। तो 14,400 मीट्रिक टन का यह निर्यात यूएई की मार्केट के लिए और 50,000 मीट्रिक टन का निर्यात बांग्लादेश के लिए किया गया है। अधिसूचना में यह कहा गया है कि उपभोक्ता मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद ही नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड बांग्लादेश में प्याज को निर्यात करने के तरीकों के बारे में रूपरेखा भी निर्धारित करेगा। यानी कि जो नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, NCEL, वो प्याज के एक्सपोर्ट की निगरानी करेगा और उसको जो भी विधि होगी एक्सपोर्ट करने की उसको देखेगा, और साथ ही साथ जो मार्केट के अंदर में प्राइस राइज है अनियन के ऊपर पे उसको भी देखेगा। NCEL के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE दुबई को 14,400 मीट्रिक टन का निर्यात होगा और प्रत्येक 3 महीने में 3600 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात अकेले UAE के अंदर किया जाएगा। हालांकि 50,000 टन प्याज का निर्यात की कंडीशंस क्या होंगी ये अभी उसके अंदर में डिफाइन नहीं है, लेकिन 50,000 टन मीट्रिक टन जो प्याज है वो बांग्लादेश को निर्यात किया जाएगा, केवल ये जानकारी उसमें दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर 2023 को एक्सपोर्ट पर बैन लगा था, प्याज की कीमतें बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कमजोर था और विश्व भर के अंदर में हमने प्रोडक्शन को कमजोर देखा, जिसके चलते प्याज की कीमतों के अंदर एक इजाफा देखने को मिल रहा था और आशंका थी कि प्याज रॉकेट बन जाएगा और प्याज की कीमतों में एक तरफा रैली देखने को मिलेगी। उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि प्याज के निर्यात को बैन कर दिया जाए, लेकिन अब प्याज के निर्यात को आंशिक तौर के ऊपर खोला गया है, जो 57,000 मीट्रिक टन की जो फिगर थी उसको बढ़ा करके 64,400 मीट्रिक टन किया गया है। 64,400 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात शुरू हो गया है तत्काल प्रभाव से और इसमें 14,400 मीट्रिक टन दुबई को होगा। तो निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर प्याज की कीमतों में कुछ तेजी संभवतः इन 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगी। हो सकता है प्याज की कीमतों में 5 रुपए से 10 रुपए प्रति किलो का उछाल बाजार के अंदर देखने को मिलेगा।